नमस्कार, मेरा नाम अनिल है। मैं जो है काउंसलिंग करता हूँ एडिक्टों की। पिछले 20-22 साल से मुझे जो है बड़ी प्रॉब्लम आने लगी आँख से। कोई 10-1 साल से मेरा नंबर बढ़ता चला गया। ऐसा ऐसा नंबर बढ़ने के बाद भी थोड़ा मुझे धुंधला लगने लगा। मैं गाड़ी नहीं चला सकता था, धुंधला दिखता था। चार चार एक एक लाइटें फैल जाती थी बहुत ज़्यादा, मुझे दिखता नहीं था। मैं क्लास करता हूँ काउंसलिंग की, तो बच्चों की शक्ल मुझे ब्लर दिखती थी। तो मन के अंदर बड़ी बेचैनी, सर में दर्द रहने लगा, डिप्रेशन तनाव सा भी हो गया कि सब चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता कटने लगा। भूख पर भी असर आ गया। मेरे आसपास जो मैं किसी से पूछता था मैंने आँखों का ऑपरेशन कराया, कुछ लोगों ने मुझे बोल दिया कि मेरी आँख का ऑपरेशन कराया, खराब हो गया। तो मैं थोड़ा सा मन में डर आ गया कि यार मैं ऑपरेशन कराऊं, मेरा भी खराब हो गया तो फिर दूसरी कराने का भी नहीं रहेगा। कि वो लोग नहीं कराते फिर दूसरी आँख का ऑपरेशन, कि एक खराब हो क्योंकि दूसरी ना खराब हो जाए, बिल्कुल अंधे हो जाए कभी। तो इस चीज़ को लेके मैं बहुत काफ़ी जगह पे मिला, लेकिन एक फेथ है, विश्वास है, वो मन के अंदर नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने काफ़ी सर्च किया, मैंने नेट पे भी सर्च कर रहा था, मैं काफ़ी जगह का मैं देख रहा था, दिल्ली से बाहर का भी देख रहा था, जलंधर का मैंने देखा, काफ़ी अच्छे हॉस्पिटलों में मैं मिला, लेकिन मुझे अंदर से जो है एक मन तैयार नहीं हुआ कि मैं कराऊँ ये कराऊँ। फिर मैं यूट्यूब में देख रहा था, डॉक्टर राहिल चौधरी का चैनल था Eye7 हॉस्पिटल का, तो वो जैसे समझा रहे थे बता रहे थे। फिर मैं Eye7 हॉस्पिटल में आया और मैडम प्रतिमा सरकार डॉक्टर ने जो उनसे मेरा जो है चेकअप किया, उन्होंने मुझे मेरे लेफ्ट आई आँख के अंदर जो दोनों आँखों में है, लेकिन उन्होंने पहले मुझे कहा कि लेफ्ट का करा लो पहले आप। तो वो लेजर का जो होता है, और भी दूसरी भी थे, लेकिन मेरा मन नहीं जाग रहा। मेरे मन में कभी दर्द ना हो, आँख में सुई ना लगा दें, ऐसे मेरे मन में लोगों ने बताया था सुई लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं सुई नहीं लगानी पड़ेगी, लेजर से आपका होगा। मेरे अंदर विश्वास जाएगा। मैंने कहा यार, मतलब इतनी हिम्मत मेरे अंदर आई कि मैं किसी को लेके नहीं आया हॉस्पिटल, अकेले ही आ गया। कि मैं किसी को, वाइफ को या बच्चे को, लड़के को, बेटा मेरा दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट है, मैं उनको भी साथ लेके आऊँ यार। मैंने कहा नहीं यार, मैं इतना फेथ मुझे आ गया, मैं खुद ही ऑटो पकड़ा और मैं सीधा आया दिखाने के लिए अकेला। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया कि नहीं तुम किसी को साथ लेके आना, जिस दिन ऑपरेट में कोई नहीं। मुझे पता ही नहीं लगा, 5-10 मिनट के अंदर मैं वहाँ से बाहर आ गया। आगे आँख में उन्होंने दवाई लिख दी, जो मेडिसिन वगैरह दी, आज मैं चेकअप के लिए आया हूँ। और जाने के बाद ही ऐसे लगने लगा दिन निकल गया एकदम से, सारा मुझे एकदम से साफ दिख रहा है, चश्मा हटा के भी बिल्कुल साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही आज की तारीख में, बिल्कुल ये आँख मेरी बिल्कुल ठीक है, मुझे साफ दिख रहा है, नज़दीक का भी दिख रहा है, बल्कि इसका जो ब्लर अब भी लग रहा है। तीसरा दिन है आज मुझे, तीसरे दिन में मुझे सब साफ दिख रहा है। अभी आपको रीड करना है 4-3-4-5-3-4-5-2-3-0-4-3-7-5-2-0-2-5-2-4-3-0-7-5-6-4-7-5-2-3-7। ठीक है, आपका लेफ्ट आई का जो विजन है वो पूरा 6-6 है, अच्छी रोशनी आ गई आके। ठीक है, ठीक। दूसरी आँख का भी मैंने अपने करा लेना है, जो है 15-20 दिन के अंदर ये मैंने करा लेना, क्योंकि मन के अंदर जितने डर थे सारे निकल गए, ना दर्द होता है, ना कोई टेंशन, बाहर जाओ अंदर से बाहर आ जाओ। तीसरे दिन में देखने लगा, ये कोई पट्टी नहीं हुई मेरी आँख पे, कोई जो है मतलब सूखी दवाई डली है बस, और कुछ भी नहीं हुआ। पट्टी बांध देते हैं, कोई ऐसे देखा मैंने बांधते हुए, लेकिन मेरा बिल्कुल ठीक हुआ है। जो लोग सुन रहे हैं, जो मेरी बात को समझ रहे हैं, उनको मैं यही सजेशन दूंगा कि Eye7 हॉस्पिटल में आए। मेरा तो सही हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है, और सारे डरों से मैं बाहर निकल गया। हाँ, जो मैं पहले नहीं कर पा रहा था अब मैं सब कर पा रहा हूँ। अभी बेटे के साथ बैठ के आया, मैंने कहा मैं गाड़ी चलाऊँ, वो कह रहा नहीं रहने दो। अभी एकदम से कॉन्फिडेंस लेवल जो बिल्कुल नीचे था एकदम से ऊपर से आ गया, सारे काम को गए। मुझे बोला हुआ अभी 7 दिन जो है ऊपर से नहीं नहाना, बस बाकी नीचे सब नहाना है, पानी से सर के ऊपर से नहीं है, बाकी कोई परहेज भी नहीं है कि ये परहेज करना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा, ये ऐसा कोई भी कोई परहेज नहीं, कोई कुछ नहीं। तीसरे दिन तो मैंने टीवी भी देख लिया, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई चश्मा लगाने के बाद। हाँ, चश्मा नहीं हटाना है, ये ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। रोशनी में बैठो, ये भी नहीं कि जाके लाइटें बंद कर दो, अंधेरे में जाके बैठो, ऐसा भी कुछ नहीं है, बिल्कुल रोशनी में बैठो। उन्होंने मुझसे रोशनी के लिए ये कहा ही नहीं कि आप रोशनी में बाहर मत निकलो। अब मुझे मालूम है यहाँ से सेल्फ मारूंगा मैं सीधा पंजाब जा सकता हूँ। डॉक्टर मैडम जो है बहुत अच्छी है, चेकअप है वो भी बहुत अच्छा है, और मन में और भी ज़्यादा फेथ आया उनके लिए, क्योंकि मेरा और किसी से वास्ता नहीं पड़ा, डॉक्टर प्रतिमा सरकार से मेरा जो है वो हुआ है। चेकअप दूसरों ने किया, आज भी चेक किया, सब कुछ बहुत बढ़िया। बल्कि मैं उनसे कह रहा था, मैंने कहा मेरे अंदर एक इच्छा है, क्या मैं कहा मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ, तो कहने लगे नहीं नहीं ये तो नहीं है ये हुआ। मैं कहा मेरे अंदर फीलिंग, मतलब मेरे जितने डर थे मेरे लिए भगवान की तरह हो आप। मैंने कहा मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ, कहने लगी नहीं नहीं बस ये रहने दो, मना कर दिया। मतलब मेरे अंदर अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए शब्द भी नहीं है, बस मुझे एंड यही लगा मैं उनके पैर छू लूँ भगवान की तरह, और बस मेरी ज़िंदगी है, मतलब अच्छा लगा है मुझे, गुड फील हो। टेक्निस जो है लेंस है, जॉनसन एंड जॉनसन का जो है वेंडर आया, वो मुझे अच्छा लगा। वो बताया कि भाई थोड़ा हाथ की दूरी से भी दिख जाता है, और दिख रहा है मुझे, ये लिखा हुआ है पढ़ रहा हूँ मैं, ये दिखा है क्या लिखा है मुझे टाइप करना है। ये 38 दिन है मैं जो बल जी देख के कर रहा हूँ,
देखे वो मोबाइल को भी दिक्कत देखे तो उन्होंने बोला ही नहीं कि मोबाइल यूज नहीं करता, मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ आराम से, सब दिख रहा है मुझे, न्यूज़ पढ़ने का शौक है, न्यूज़ में आराम से पढ़ लेता हूँ, क्लासें विलासें सब बंद थी मेरी, मैं कोई क्लास नहीं कर रहा था, मैंने पढ़ना वढ़ना न्यूज़पेपर में पढ़ता ही नहीं था, मैं सो साइड में इग्नोर कर दिया। बुक्स का मुझे बहुत शौक है, मेरे बुक्स से कम हज़ारों बुक होंगी मेरे पास हर टॉपिक पे हैं, मतलब ज्ञान पर साइकोलॉजी पढ़ने का मुझे ज़्यादा वो है थोड़ा, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि मैं पढ़ सकता हूँ। कल शनिवार को कराया था मैं, कल संडे आज मंडे है, वो तीन दिन भी पूरे नहीं हुए, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, ये सारा कुछ उन्होंने मुझे समझाया। तो वो काउंसलिंग में मैडम बैठती है जो काउंसलिंग करती हैं बताती हैं, वो उनसे मैंने डिटेल में एक एक पूछा कि ये क्या है ये क्या है ये क्या है, तो उन्होंने एक एक चीज़ का मुझे बताया, ये खाली दूर का है या ये पास का भी, ये दोनों का काम करता है, उन तीनों भी बताया कि पढ़ने के लिए भी हो जाता है, लेकिन उन्होंने साइड इफ़ेक्ट भी मुझे बताया, उन्होंने कहा कि ये जो है जो सबसे महंगा है उसके जो किनारे पे है ना वो थोड़ा सा हीरोज दिखते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा हम पैसे की बात नहीं है, पैसे तो हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, हम इसको आपको जो है सजेस्ट नहीं करेंगे। तो मेरे मन में और भी आया, मैंने कहा हॉस्पिटल तो ये कहते हैं भाई ज़्यादा पैसे जिस पर मिले वो काम कराओ, तो मैंने कहा ये खुद कह रहे हैं हम ये सजेस्ट नहीं करते क्योंकि ये है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं पास के लिए मैं पढ़ना होगा चश्मा यूज़ कर लूँगा कोई बात नहीं, लेकिन दूर के ड्राइविंग मुझे देखना क्लासें करना कहीं जाना हॉस्पिटल में गेट पर कहीं कुछ पढ़ना कोई बोर्ड मुझे पढ़ना है वो सारी चीज़ें तो मेरी साबित हो गई, मैं क्लासें आराम से कर पाऊँगा, मैं उससे इन्वॉल्व हो पाऊँगा, फीलिंग से उनके साथ भी इन्वॉल्व हो पाऊँगा, उन समझ पाऊँगा उनको। मैं एक जो है रिहैब चलाता हूँ, ड्रग काउंसलिंग की रिहैब एंड काउंसलिंग सेंटर जो है, जो लोग नशा लेते हैं किसी भी तरह का उनके ट्रीटमेंट के लिए इलाज के लिए। मेरे लिए तो जो है ये काम मेरे लिए भगवान की तो पूजा है, मैं जब आँखों से काम करना बंद किया मैं उनको नहीं कर पाया तो जीते जी एक तरह से मौत हो गई, लेकिन आज मैं जो देख रहा हूँ मैं कर पा रहा हूँ कंटिन्यूटी में, मैं लगातार जो है इसको कर पाऊँगा, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। Eye7 का जो है थैंक यू हूँ, आभारी हूँ Eye7 का, और उन डॉक्टर का बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैंने जीते जी भगवान भी देखे हैं, भगवान हमें देते ही हैं आशीर्वाद नई रोशनी, किसी को जवान देते हैं किसी को चलना देते हैं किसी को मुझे रोशनी दे दी, मैं बहुत आभारी हूँ।